मैंने कई मौकों पर कहा कि जिस तरह का परिणाम आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। जहां कहीं टीवी पे, अखबार में या और लोगों से जो सुनने का मौका मिला है, सभी ने यह कहा कि परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए जनता ने वोट दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसको हटाने के लिए वोट दिया। तेलंगाना में बीआरएस की पार्टी की सरकार थी, उसे हटाने के लिए वोट दिया। मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी, समाजवादियों को भी साथ लिया होता या अन्य दलों को साथ जोड़ा होता तो परिणाम मध्य प्रदेश का भी परिवर्तन का होता। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी उसकी समीक्षा की है चुनाव की, उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती थी और कुछ योजनाओं को लाभ पहुंचा, इसलिए सरकारें बनी। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जब दिल्ली का चुनाव होगा तो जनता एक बार फिर परिवर्तन के लिए वोट देगी। आज हम और आप वहां बैठे हैं, खड़े हैं कन्नौज में। आप खुद पीछे मुड़ करके देखें कि कन्नौज के विकास को किसने रोका है। ये बातें तो बड़ी बड़ी विकास की करते हैं, बातें इनकी विकास की हैं, लेकिन काम इनके विनाश के हैं। यही मंडी जिसमें आलू से लेकर के किसान को हर फसल की सुविधा मिल जाती है, वो अभी भी आधी अधूरी पड़ी हुई है। केवल हम लोगों के बोलने की वजह से वो चालू हो गई। तेरवा रोड पर मेडिकल कॉलेज के सामने मंडी का बाजार था, किसान बाजार, वो अभी भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेज की स्थिति हमसे बेहतर आप जानते हैं, और अगर आपको दिखाना हो और अगर आप सच्चे और ईमानदार पत्रकार हैं तो अपने कैमरे और माइक लेकर के मेडिकल कॉलेज में किसी कोने में चले जाएं। जिस तरह से बजट मिलना चाहिए था वो बजट नहीं मिला, और ना बजट मिलने की वजह से आज मेडिकल कॉलेज में किसी भी गरीब का, किसान का और गांव में रहने वालों का इलाज नहीं हो पा रहा। जिला अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं है जहां गरीबों को इलाज मिल पाए, और लगातार अन्याय लोगों पर हो रहा है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। आप कन्नौज में बताइए, क्या कोई कारखाना लग गया? क्या उद्योग कोई आ गया? यही बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया कि निवेश के लिए हम बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, क्या निवेश पहुंचा जमीन पर? और अगर निवेश जमीन पर पहुंचा है तो उस निवेश के माध्यम से कितनी नौकरी, कितने रोजगार मिले, ये सरकार बताए। अब जमीनें ढूंढी जा रही है जिलों में। सुना है कुछ दिनों पहले सरकार ने यह कहा कि निवेश के लिए जमीन चाहिए। जो सरकार 2 साल होने वाले हैं, अगर निवेश के लिए जमीन नहीं ढूंढ पाई है तो निवेश होगा कहां पर? आपके जिले में भी कहीं ना कहीं जमीन चिन्हित करने की कोशिश की होगी, तो बताइए निवेश के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं, और जो निवेश के लिए सब कुछ तैयार है वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस इन्होंने बर्बाद कर दी, पुलिस को बेईमान इन्होंने बना दिया। अभी मैं आया हूँ, कई लोगों ने मुझे जानकारी दी कि पुलिस किस तरह अन्याय कर रही है उनके साथ। यहाँ बैठे लोग हैं, राजेंद्र है बैठे हैं, इनके साथ कितना अन्याय हुआ, मुझे होम सेक्रेटरी तक कहना पड़ा, तब थोड़ी बहुत राहत मिली होगी उन्हें। तो ये स्थितियां हैं। अपने यहाँ व्यवस्था कर ले कोई पुलिस के लिए तो पुलिस मदद कर देगी या निष्पक्ष कार्रवाई हो जाएगी। अगर आपने व्यवस्था नहीं की तो पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी, और अगर आप भी सच्ची खबर दिखाओगे तो हो सकता है आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए।